सभी का ई एजुकेशन तथा ई शिक्षा में स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसे वर्कशीट भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अधिकतर अकाउंट्स के लिए या मैथ्स के लिए या किसी प्रकार का डाटाबेस बनाना हो जिसमें हमारे जो टीचर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पेरोल बनाना हो या कई सारे ऐसे काम जिसमें मैथ्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम उसको वर्कशीट बोलते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसमें हम धीरे धीरे सीखेंगे कि इसको प्रयोग करने से हमें क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम इसमें इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका इंटरफेस के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये इंटायर जो स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है इसको हम वर्क प्लेस बोलते हैं, जिसमें आप टच कर रहे हैं ये सेल है, इसको सेल बोला जाता है। और आप ये देख रहे हैं जो ऊपर की ये लाइनें हैं ये कॉलम कहलाती हैं और इधर की लाइनें रो कहलाती हैं। रो ये बहुत सारी रो होती हैं और इस ये स्क्रॉल किए से हम नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे नेम एरिया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूला बॉक्स है जिसमें हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये फार्मूले आ रहे हैं। इसके बाद जो इसका ये मेन्यू बार है आप देख रहे हैं फाइल। फाइल तो आपने देखा कि अधिकांश जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इसी प्रकार के होते हैं। इसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एस, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये इम्पोर्टेंट हैं और सेव एस और सेव इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं क्योंकि जब हम फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले होम। होम में क्या क्या कमांड है हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो सपोज़ हमने सेल में कुछ लिखा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर नेम और यहाँ पर लिख दिया एज। तो हमने जैसे किसी बच्चे का यहाँ पे नाम लिखना, अजय, विजय, और उनकी एज हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एज हो गया इसकी 15 और दूसरे की हो गई 16। तो हमने दो डेटा लिए हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि ये डेटा है, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट करना यहाँ पे सीखते हैं कि जैसे बोल्ड कमांड है तो इसे बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक है, अंडरस्कोर है, अंडरलाइन आ जाता है यहाँ पे, अंडरलाइन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फॉन्ट है जिसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे इसको 14 ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा हो गया अलग सा। आप देखते हैं कि ये ऊपर की जो हेडिंग है इसको हम बीच में लाना हो तो हम यूँ बीच में ला सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट है। ये आपका लेफ्ट, ये सेंट्रल और ये राइट अलाइनमेंट है। इसी प्रकार इसे भी अलाइनमेंट बोलते हैं, इंडेक्ट, इंक्रीज इंडेक्ट और ये डिक्रीज इंडेक्ट है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि फील्ड को भी हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हमें बहुत सारे लिखने हो तो एक पेज में अगर ये फील्ड नहीं आता तो हम इसको यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वर्टिकल हो सकता है, रोटेट टाइप का हो सकता है। देखो अभी हमें इसको करके दिखाते हैं, इसको अगर हम यूँ कर देंगे तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं नेम को। तो इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता तब होती जब हमें बहुत सारे कॉलम की आवश्यकता होती है और हम चाहते हैं एक पेज पर प्रिंट आ जाए, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये बीच में लेना है, ऊपर लेना है, इसको भी हम यहाँ से अलाइनमेंट इसको कर सकते हैं, आपके ये जो सेल है इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक ही जैसा लग रहा है तो हम इसका कॉलम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसको हम जैसे नेम हमने रेड कर दिया, कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया और इसका जो सेल का कलर होता है पीछे का उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं जिसको। यहाँ पर लाइट क्लिक करा, इतने सारे हमारे जो कलर है कोई भी कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे सपोज ये वाला ले लिया हल्का सा कलर। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको हाईलाइटेड हो जाए, टेबल सा बन जाए, तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये टेबल का कमांड है। यहाँ पे जाके हम इसके ऑल बॉर्डर्स ले लेंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल बन जाएगी, यहाँ पे उसको बॉर्डर बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारी बाहर हो तो बाहर हो सकता है, यहाँ से मोटा पतला हम बॉर्डर को कर सकते हैं।
यहाँ से हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर, यहाँ पे ग्रिड बना सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बॉर्डर को, लाइन कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है तो आप चाहते हो कि कलर हमारा अलग हो जाए, तो हम यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अब मैं इसको यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ और इसको बॉर्डर लाइन कर देता हूँ। तो देखिए ऑल बॉर्डर हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये पूरा ब्लैक बॉर्डर में दिख रहा है। तो ये एक छोटी सी फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे दिखाई। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि कई सारी फॉर्मेटिंग भी दी हुई है। यहाँ पे ऑटो सम दिया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, जिसको हम आगने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे ये काम करता है कमांड। इंसर्ट, इंसर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं, अलग अलग फिगर्स यहाँ से ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद स्टोर से भी हम ले सकते हैं कुछ, अगर हमें अलग टाइप की ग्राफ्स चाहिए तो इमेज चाहिए, हम यहाँ से स्टोर से भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम कई सारे जो हमारा डेटा है इसको हम पिक्चराइज अगर हमें करना हो, चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, तो ये बहुत सारे कमांड यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि इसे कैसे करना है। 3D मैप हम बना सकते हैं, लाइन ग्राफ बना सकते हैं, कॉलम बहुत सारे बना सकते हैं। तो आपने देखा हाइपर लिंक हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, हेडर फुटर हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से वर्ड आर्ट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट अच्छा चाहिए हम यहाँ से ये सारे फॉन्ट ले सकते हैं। इक्वेशन सिंबल अगर हिंदी में लिखना हो तो हमें अलग सिंबल की ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। इसके बाद ये है पेज लेआउट, जिसमें आपको प्रिंट से संबंधित ऑप्शन होगा, बैकग्राउंड, पेज ब्रेक, साइज़ क्या होगा आपके पेज का, मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिन कि आपको अपने पेज के अनुसार कैसा प्रिंट निकालना है उसके लिए ये काम आता है। इसके बाद फॉर्मूला, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फॉर्मूला। इसके बाद डेटा रिव्यू व्यू, तो ये सारी चीज़ें एक्सेल में, एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसको चरणों स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। तो आज हमने इस वाले वीडियो में ये सीखा कि हम नेम कैसे, कोई भी डेटा अगर हमें लिखना है हम उसे कैसे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उसे कैसे छोटा सा हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, टिल देन बाय।